देखिए कैसे लोन की लूट को लेकर यूपी की सरकार आ गई है बीजेपी के निशाने पर। 10 तारीख इस माह की कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं का नैतिक आधार पर पर्दाफाश कर चुकी है। रघुराम राजन जी का ये वक्तव्य कि कांग्रेस की कुनीतियों की वजह से देश में एनपीएस बढ़े, बैंक्स बदहाल हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब से गरीब व्यक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है और दूसरी ओर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की गतिविधियां जनता के सम्मुख आकर एक ही उदाहरण प्रस्तुत कर रही है कि कांग्रेस का विशेष गांधी परिवार की मंशा, उनका ध्येय खुद को आर्थिक रूप से सशक्त करने तक सीमित है। बीजेपी ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर जोरदार हमला बोला है और इस बार हमले का हथियार बनाया है पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के नोट को। रघुराम राजन ने संसदीय पैनल को लिखे अपने नोट में कहा, अधिक आशावादी बैंकरों, सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में धीमी गति और आर्थिक विकास में सुधार ने मुख्य रूप से बढ़ते बैड लोन में योगदान दिया। अधिक बैड लोन साल 2006-2008 के बीच में दिया गया जब आर्थिक विकास काफी मजबूत था। कांग्रेस पर हमला करते हुए कुछ इसी तरह की बात पीएम मोदी भी पिछले दिनों पोस्ट बैंक सर्विस की शुरुआत के मौके पर बोल चुके हैं। और ये लोन मिलता कैसे था? हमारे देश में ये टेक्नोलॉजी तो अब आई, लेकिन उस समय एक स्पेशल परंपरा चल रही थी फोन बैंकिंग की, और इस फोन बैंकिंग का प्रसार उतना हुआ था, अनेक नामदार अगर फोन कर दें तो बैंकिंग और फोन पर कर्ज देने वाले बड़ा पार लोन मिल ही जाता था। जिस भी बड़े धनी धन्ना सेठ को लोन चाहिए होता था वो नामदारों से बैंक में फोन करवा देता था। देश में लोन लेकर भागने वाले पूंजीपतियों का मुद्दा छाया हुआ है, चुनाव में भी ये मुद्दा बनेगा। आज आपका चैनल एबीपी न्यूज भी थोड़ी देर बाद लोन कांड के एक बड़े आरोपी मेहुल चौकसी को लेकर बड़ा खुलासा करने वाला है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।